हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम बात करेंगे जो कि आजकल हमारे गूगल पे और फ़ोनपे और पेटीएम को लेके स्कैम हो रहे हैं, आजकल फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो जैसे कि मेरे एक अकाउंट से ट्रांजेक्शन हो चुकी थी कि मेरे को किसी बंदे ने QR सेंड किया था, जो कि मैं ओलेक्स पे बात कर रहा था, मेरे को अपना फ़ोन से क्लिक करना था। उसके रिगार्डिंग मेरी एक पर्सन से बात हुई और उसने मेरे को एक QR कोड भेजा कि सर मैं आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए और स्कैन करने के बाद वो मेरे गूगल पे से जुड़ जाएगा और जिससे कि वो मेरे को पेमेंट सेंड कर सके। बट एक्चुअली जो हुआ वो ऐसा नहीं हुआ कि उसने जब मेरे को QR कोड सेंड किया, एक तो उसने मेरे UPI से जो कि पैसे थे कुछ 80,000 रुपये कुछ उसने ट्रांजेक्शन कर लिए रात के 1 बजे के करीब आसपास। तो अगर आपको कोई ऐसा QR कोड कभी भी स्कैन भेजे तो आप उसको स्कैन ना करें, चाहे वो ओलेक्स पे हो, चाहे गूगल पे पे हो, या फिर आपके व्हाट्सएप वगैरह अगर कहीं भी सेंड करे तो आप उसको कभी स्कैन ना कीजिए। क्योंकि वो स्कैन करने के बाद क्या होता है कि आपका जो गूगल पे होता है वो क्लोन हो जाता है जिस बंदे ने वो सेंड किया है, और उसके फ़ोन में आपका गूगल पे चल जाता है, जिसकी मदद से वो आसानी से आपके गूगल पे पेटीएम वगैरह से पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। और इसके रिगार्डिंग जब पैसे ट्रांसफ़र हुए तो मैं आपको वो कोड भी दिखा दूंगा अपनी स्क्रीन पे, मेरे को कैसे कोड सेंड हुआ था और वो किस तरीके था, कि अगर आपको कभी कोई वो सेंड करे तो आप उसको हमेशा ध्यान रखें कि आपको वो स्कैन नहीं करना है। और सेकंड, जब मेरी ट्रांजेक्शन हुई तो मैंने जो अपना गूगल होता है वहाँ से गूगल पे सर्विस सेंटर का एक नंबर निकाला कि जिससे मैं गूगल पे के कस्टमर से कांटेक्ट कर सकूं और उनसे जो मेरी बातचीत हुई मैं आपको वो बताऊंगा। बट वो जो नंबर था वो एक्चुअली उनका नहीं था, गूगल पे वाला को, वो मेरे को एक फेक नंबर प्रोवाइड किया गया जो गूगल पे। तो अगर आप कभी गूगल पे सर्च करो कि आपने हेल्प सेंटर से बात करनी है, आपको कोई नंबर प्रोवाइड किया, तो आप एक बार चेक करिए कि आपको उसकी गूगल की पे की ऑफिशियल वेबसाइट से मिलता है नहीं मिलता। जैसे मेरे को एक नंबर वहाँ से मिला था तो जो मेरी उससे बातचीत हुई मैं आपको उसका दिखाऊँगा। तो जैसे कि मेरे को एक नंबर मिला था जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ और उसकी रिकॉर्डिंग भी सुनती रही है कि मेरी उनसे क्या बातचीत हुई और उन्होंने मेरे से क्या क्या डिटेल मांगी। আপনি কল করেছেন তিনি এই মুহূর্তে অন্য কলে ব্যস্ত আছেন, অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন বাকি। হ্যালো হ্যালো স্যার, গুগল পে সার্ভিস সেন্টার সে বাত কর রহে হুম। গুগল পে সেন্টার সার सर, मैं एक्चुअली मेरे जो अकाउंट से थी अभी अभी एक ट्रांजेक्शन हुई है, मेरे को उसके बारे में पूछना था कि वो ट्रांजेक्शन कैसे हुई, किसने की और किस लिए हुई है। जी कब किए थे सर आपने ये? सर ये अभी मेरे पास कुछ 2 घंटे के पहले कुछ ट्रांजेक्शन हुई है तो मेरे को उसके बारे में पूछना था। हाँ। तो सर मेरे अकाउंट से अभी सर 50,000 की ट्रांजेक्शन हुई है जिसके बारे में मेरे को पूछना था। मेरे को आपका ये नंबर जो मैंने गूगल पे सर्च किया था वहाँ से मिला है। 50,000 का ट्रांजेक्शन हुआ है ना? 50,000 का सर। 50,000 का? हाँ जी सर। हाँ हाँ बिल्कुल। तो सर मैं यहाँ से जैसे कि एक्टिवेट में बता देता हूँ, आपका गूगल पे रजिस्टर्ड नंबर कौन सा है सर, नंबर बोलिए तो। नंबर यही है सर। यही नंबर है ना सर, आज के डेट में किया गया है? हाँ जी सर। आप नहीं किए, ऑटोमेटिक आपका ट्रांजेक्शन हो चुका है ना? नहीं नहीं सर, मैंने ट्रांजेक्शन नहीं किया, वो एक्चुअली मेरे पास कोई कोड आया था तो मैंने वो स्कैन किया, उसके बाद ट्रांजेक्शन हुई है। तो ऐसे ऑटोमेटिक आपको फ्रॉड आया था और ट्रांजेक्शन हो चुकी है ना? तो उसके बारे में कुछ पता लग सकता है? हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ से बता देता हूँ। अभी यहाँ से कौन सा बैंक है आपका? सर मेरा स्टेट बैंक है। स्टेट बैंक है ना सर, तो आपने जो ट्रांसफर आपका किया गया है मैं यहाँ से चेक करके बता देता हूँ, और अमाउंट भी रिफंड जैसे रिफंड होगा तो मैं रिफंड भी कर देता हूँ। ओके ठीक है। तो अभी मैं बताना चाहता हूँ स्टेट बैंक में अभी करंट बैलेंस कितना बता रहा ट्रांजेक्शन होने के बाद? तो सर मेरा अभी बैलेंस जो रह रहा है वो 1,50,000 रुपये रह रहा है, जिसमें से 50,000 मतलब 2 लाख थे टोटल, उसमें से 50,000 के ट्रांजेक्शन हो चुकी है। हाँ जी बिल्कुल, तो मैं यहाँ से आपका चेक करके बता देता हूँ, हो जाएंगे सर। ओके ठीक है सर। आपका सर गूगल पे रजिस्टर्ड नंबर कौन सा सर, जिस नंबर से बात हो रही है नंबर है? हाँ जी सर ये नंबर है। जी बिल्कुल, हमारे देखिए सपोर्ट टीम का आपका कॉल आ रहा है आपके मोबाइल पे, कॉल को रिसीव कीजिए, पूरी जानकारी दी जाएगी। कॉल आ रहा है? हाँ जी आ रहा है सर। हाँ जी सर। नमस्कार सर, गुड इवनिंग। हाँ जी सर। यस बोलिए सर, क्या जानकारी चाहिए सर, आपने कॉल किए थे? कि मेरा एक ट्रांजेक्शन हुआ है कि 50,000 का, मेरे को उसके बारे में पूछना था। मेरे पास एक QR कोड आया था जो मैंने स्कैन किया था, उसके बाद जो ट्रांजेक्शन थी वो सारी मेरे अकाउंट से मतलब 50,000 रुपये निकाल लिए गए, जिसमें से अभी 1,50,000 रुपये रह रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, तो अभी यहाँ से आपका ट्रांजेक्शन हो चुके हैं ना? हाँ जी जी जी, आप लाइन पर बने रहेंगे सर, मैं चेक करके बता रहा था। ठीक है। रजिस्टर्ड नंबर कौन सा है सर? यही नंबर है सर। आप अपना नाम बता सकते हो एक बार? जी मेरा नाम विनय वर्मा है सर। ठीक है सर, कौन सी ब्रांच से बात कर रहे हो आप? मैं नोएडा सेक्टर 73 से बात हो रही सर। ओके ठीक है सर।
जी बिल्कुल, मैं यहाँ से आपका चेक करके बता देता हूँ। आपने जो स्क्रैच किए थे ना, स्क्रैच किए थे, इसकी वजह से आपका पेमेंट हो गया ना सर? हाँ जी सर। जी जी बिल्कुल, मैं यहाँ से एक्टिवेट आपका प्रोसेस कर देता हूँ, लाइन करते हुए आपका पेमेंट मिल जाएंगे। ओके ठीक है सर। जी बिल्कुल, नोएडा ब्रांच आई डी नंबर, जैसे कि ट्रांजेक्शन फेल करना सर। ओके, जो ट्रांजेक्शन फेल करेंगे उसको स्क्रीन शॉट करना है, लाइन पर आते हुए आपका पेमेंट यानी कि रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है सर। हेलो। हाँ जी सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? हाँ जी जी बिल्कुल, जो आपने नोएडा ब्रांच आईडी नंबर है उस पर आपको एक ट्रांजेक्शन फेल करना है, जो ट्रांजेक्शन फेल करेंगे उसको स्क्रीनशॉट करना है, लाइन पर आते हुए आपका अमाउंट यानी कि रिफंड मिल जाएगा सर। ओके ठीक है सर। जी बिल्कुल, आप अपना गूगल पे को ओपन कीजिए, किस तरह ट्रांजेक्शन फेल करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ओके सर ठीक है, गूगल पे मैंने सर ओपन कर लिया। हाँ, ओपन करने के बाद वहाँ पे देखिए सर, न्यू पेमेंट आ रहा है सर, न्यू पेमेंट। हाँ जी सर। हाँ, न्यू पेमेंट पे क्लिक कीजिए। ठीक है सर। उसके बाद न्यू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आ रहा है सर आपका? मेरा यहाँ पे बैंक ट्रांसफर, फोन नंबर और यूपीआई और सेल्फ ट्रांसफर। यस बिल्कुल, वहाँ पे देखिए ट्रांसफर आ रहा है ना सर, बैंक ट्रांसफर। हाँ आ रहा है जी, बैंक ट्रांसफर पे क्लिक कर लीजिए सर आप। ठीक है, बैंक ट्रांसफर क्लिक कर लिया। बैंक ट्रांसफर पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे देखिए क्या पूछी जा रहा है सर। फर्स्ट ऑप्शन अकाउंट नंबर और री एंटर अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और नेम। यस बिल्कुल, वहाँ पे अकाउंट नंबर नहीं टाइप करना है आपको, नोएडा ब्रांच आईडी नंबर टाइप करना है, जैसे कि आपको ट्रांजेक्शन फेल करना है सर। ओके, जो ट्रांजेक्शन फेल करेंगे उसको स्क्रीन शॉट करना है। ओके ठीक है जी बिल्कुल, वहाँ पे नोएडा ब्रांच कोड टाइप कीजिए सर, 12 नंबर। ओके हाँ जी जी, वहाँ पे टाइप कीजिए 9185 9185 1302 9, रुको दोबारा बताओगे सर एक बार? 98 यस दोबारा, 9185 9185 1302 1302 9928 9928 यस बिल्कुल। नीचे में क्या आ रहा है सर आपका? नीचे में मेरा दोबारा अकाउंट नंबर बोल रहा है वो करने के लिए, एंटर करने दोबारा से री एंटर कीजिए सर, वही कोड एंटर कीजिए दोबारा से 9185। ठीक है सर, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। हाँ कॉपी पेस्ट कर लीजिए सर। ठीक है सर। उसके जस्ट नीचे में क्या रहा सर? आईएफएससी कोड। हाँ वहाँ पे कैपिटल लेटर में आईएफएससी कोड नोएडा ब्रांच का टाइप कीजिए सर, PYTM यस 0123 रुको सर 0123 456 ठीक है। यस देखिए वहाँ पे सर्च हो क्या आया, यहाँ पे PATY है, एक बार दोबारा बोलोगे आईएफएससी कोड? मैं दोबारा से बताता हूँ, जैसे कैपिटल लेटर में वहाँ पे टाइप करना है सर। ओके कैपिटल लेटर में ठीक है, जैसे कि टाइप कीजिए PY ठीक है, PY TM 0123 456 ठीक है। देखिए वहाँ पे सर्च हो क्या आया सर? नोएडा ब्रांच आया। यस बिल्कुल, नीचे में क्या रहा उसका, जस्ट नीचे में नाम आ रहा है, अपना नाम वहाँ पे एंटर कर दीजिए। अपना करना है या फिर जो ये नोएडा की ब्रांच है उसका नाम? नहीं नहीं, अपना नाम एंटर करना है सर वहाँ पे, जैसे कि ट्रांजेक्शन आपका रिक्वेस्ट अप्लाई करने के लिए अपना नाम वहाँ पे टाइप करना है, ट्रांजेक्शन ये फेल्ड होगा। ओके ठीक है। हाँ अपना नाम वहाँ पे टाइप कर दिए। ठीक है कर दिया। जस्ट नीचे में क्या आ रहा है? कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। ठीक है जी, जस्ट नीचे में क्या रहा है? अभी अमाउंट आ रहा है। अमाउंट वहाँ पे जैसे कि अमाउंट नहीं डालना है आपको, उसका जस्ट नीचे में क्या आ रहा है सर आपको? व्हाट्स दिस फॉर? हाँ वहाँ पे आपका रिफंड लिखिए सर, रिफंड। अच्छा RESUND रिफंड। ठीक है लिख दिया। हाँ कितना अमाउंट आपका डिडक्ट हुआ था? 50,000 50,000 ना, 50,000। हाँ जी वहाँ पे 50,000 डालिए। ठीक है, उसके बाद पेमेंट ही आपके पास चली जाएगी? नहीं पेमेंट आपका कैसे वहाँ पे जाएगा सर? पेमेंट आपका कहीं पर नहीं जाएगा, ये आपका अकाउंट नंबर नहीं दिया गया है, नोएडा ब्रांच कोड दिया गया सर। ओके जैसे आपको ट्रांजेक्शन फेल करना सर। ओके सर मैं आपको बता दूं, मेरी बात सुनिए सर, मैं आपको बता दूं कि मैं अभी BCA कर रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं? मैं अभी BCA कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। तो जो आप मेरे को बता रहे हो ये होती है पैसे ट्रांसफ़र करने की, जो कि हमारी
बिल्कुल मैं माफी चाहता हूँ सर, ये आपका जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ये पैसे ट्रांसफर करने की होती है, ठीक है। आप उसके लिए निश्चिंत रहेंगे, आपका ये मैं यहाँ से पेमेंट आपका ट्रांसफर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको ट्रांजेक्शन फेल करना है सर, मैं माफी चाहता हूँ, इस तरह बात नहीं करेंगे। यहाँ से जो भी बात होती कॉल रिकॉर्डिंग बात होता है उसके लिए आप निश्चिंत रहेंगे, ओके सर, क्योंकि उस पर आपको ट्रांजेक्शन फेल करना है। आपको अमाउंट की जगह पे नोएडा ब्रांच कोड डालना है जिसके ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिक फेल होंगे। वो अकाउंट नंबर आपको नहीं दिया गया है ताकि अकाउंट पे आपका बैलेंस ट्रांसफर हो जाने के लिए, ओके। चलो मैं कंटिन्यू क्लिक करता हूँ, अब ये यूपीआई पिन मांग रहे हैं। नहीं कंटिन्यू क्लिक करेंगे सर, वहाँ पे कंटिन्यू क्लिक नहीं करना है, उसके ऊपर में जीरो करके आ रहा ना, वहाँ पे भी आपको 50,000 डालना है, ओके। हाँ मैंने 50,000 डाल दिया सर। उसके ऊपर में जहाँ पे आपका जीरो करके आ रहा था ना, अमाउंट पूछी जा रही थी, हाँ वहाँ पे भी एंटर करना है सर 50,000। हाँ 50,000 मैंने एंटर कर दिया। हाँ उसके जस्ट नीचे में आपने वार्ड दिस फॉर की जगह पे वहाँ पे आपने 50,000 एंटर किए हैं। हाँ जी। उसका जस्ट नीचे में क्या रहा आपका? आगे आ रहा है कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। कर दिया सर, अभी यूपीआई पिन मांग रहे हैं। यूपीआई पिन मांग रहा है, अपना यूपीआई पिन एंटर कीजिए, उसका ट्रैगन आएगा, उसको स्क्रीन शॉट करना सर, ओके। ओके जी, अपना यूपीआई पिन एंटर कीजिए और देखिए क्या बता रहा है वहाँ पे। ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली। नहीं ट्रांजेक्शन आपका जैसे कि सक्सेसफुली नहीं होंगे, आप इस तरह बात नहीं करेंगे, ओके सर। ट्रांजेक्शन फुली कैसे होंगे? आपकी जो आप जो मेरे से बात कर रहे हो इसकी यूट्यूब पे लाइव चल रही है। हाँ कोई बात नहीं, आप ओटीपी में कर दीजिए, कहीं पर भी कीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है सर, ओके। जो आपको तो मेरी बात सुनिए सर, मेरी पहले इस नंबर पे बात हो चुकी है। हाँ मेरे को पता है आप गूगल पे सर्विस सेंटर से नहीं बोल रहे। कहाँ से आपको क्या लगता है आप वहाँ से नहीं बोल रहे हो सर? वो मेरे को पता है, मेरी पहले दूसरे नंबर से बात हो चुकी है आपसे, आप लाइव हो इस टाइम यूट्यूब पे। हाँ तो आपने जो मेरे को प्रोसेस बताई है बैंक ट्रांसफर करने के लिए होती है कि किसी को पेमेंट करते हैं तो कैसे करते हैं बैंक ट्रांसफर पे, आपने मेरे को जो आईएफएससी कोड दिया वो पेटीएम का है, वो नोएडा ब्रांच का। हाँ। खुद पेटीएम यूज करते हो, मेरा पेटीएम बैंक अकाउंट पे अकाउंट है, तो मेरे को भी आईएफएससी कोड सेम यही मिला है। यस। तो जो मैंने रिफंड के लिए रिक्वेस्ट डाली थी वो मेरी गूगल पे की थी, ना कि पेटीएम की। हेलो सर, आप इस तरह बात नहीं करेंगे, आप उस पर ट्रांजेक्शन फेल करेंगे तभी आपका अमाउंट यहाँ से रिफंड मिल पाएगा, या तो आप कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्कनेक्ट तो मैं तब करूँगा ना, बात सुनिए अभी लाइव हो आप। आपने नाम क्या बताया था अपना? मेरा नाम विनय वर्मा। विनय वर्मा, तो आप इस टाइम जो नोएडा ब्रांच है आपकी ब्रांच कहाँ पे है? मेरा ब्रांच घर के मेरे को पता था तुम्हारी ये लाइव चल रही है भाई। ये ना मेरे को ये फ्रॉड मेरे कस्टमर के पास हुआ था, जिसकी मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी, उसने मेरे को नंबर दिया था। जैसे कि देख सकते हो उसने फोन काट दिया। तो प्लीज आप कभी भी ऐसे किसी के पास फोन करें तो एक बार उसको कंफर्म जरूर कर लीजिए कि वो आपको पेमेंट करने के लिए बोलते हैं, ना कि आपके रिफंड के लिए। तो आपने जैसे कि वीडियो को अच्छी तरह से पूरा देखा सुना, मैं रिकॉर्डिंग आपको आपने देखी है, तो इसके लिए आप एक बार थोड़ा ध्यान से काम कीजिए कि वो पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए कर रहा था, ना कि रिफंड करने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बने रहिए हमारे चैनल पर नई नई वीडियोज ऐसे देखने के लिए जो कि स्कैमर की होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।